अभी यही क्या है बाबूजी, और तुम लोगों को मेरे चिट्ठी में लिख के दिया, एक कहानी थी। चीन में एक किसान था, बड़ा गरीब था वो किसान। ये कहानी ध्यान से सुनिएगा आप। वो किसान अपने गुरु के पास जाता है कि गुरु मुझे खेती से आमदनी नहीं हो रही है, किसी से आय नहीं हो रहा है, मुझे नुकसान हो रहा है, मैं क्या करूं। तो उसके गुरु ने उसे बीज दिया कि इस बीज को तो अपने खेत में तो लगा दो, और ये बीज जो है थोड़ा समय लेगा, पेशेंस रखना, लेकिन तुम्हारा जो प्रॉब्लम है लाइफ का वो ये दूर कर देगा, पेशेंस चाहिए, ठीक है। तो उसने क्या किया कि जब गांव के लोग खेती कर रहे थे, उसने जो गुरु ने जो बीज दिया था वो अपने खेत में लगा दिया, और लोगों ने पूछा क्या कर रहे हो, बोला मैं अलग खेती करूंगा, मैं इस बार बाकी लोगों से खेती मेरी अलग हो गई। 6 महीना गुजर गया, सब लोग के खेत में फसल आ गया, इसके खेत में कोई फसल नहीं आया, लेकिन ये पानी वानी सब चीज खाद वगैरह सब दे रहा था, इसके खेत में फसल नहीं आई। 6 महीना फिर गुजर गया, 1 साल हो गया, दूसरे लोगों का खेत में दो दो फसल हो गई, इसके खेत में कोई फसल नहीं हो गई। ये इसने अपना पेशेंस, गुरु ने बोला पेशेंस रखना, गुरु की बात को मान रहा था, पेशेंस रखा रहा, लगातार प्रयास करता रहा। दूसरे लोगों ने कहा कि चलो फसल चेंज कर लो, बोला नहीं, गुरु ने कहा है पेशेंस रखने के लिए। 1 साल के बाद 2 साल गुजर गया, 3 साल गुजर गया, 4 साल गुजर गया, 5 साल गुजर गए, और 5 साल के बाद पहला अंकुर जो है जमीन से फूटता है। कब? 5 साल के, और 5 साल तक इसने खेती करी कि नहीं करी, लगातार करता रहा, लगातार पानी फसल सारा चीज करता रहा, लेकिन 5 साल तक इसको परिणाम नहीं मिला। और 5 साल के बाद जब अंकुर फूटा तो हर दिन उसमें ग्रोथ हो रहा था। 90 दिनों के अंदर जो ये बैम्बू ट्री आप देख रहे हैं, 8 तल्ला, हम लोग आज 5 तल्ले ऊंचे भवन पर है, 5वें माले पर है, 8 तल्ला ऊंची बिल्डिंग, 80 फीट की हाइट का बैम्बू ट्री आ गया। कितने दिनों में? 90 दिनों में। इमेजिन करो, 365 दिन का एक साल, 5 साल तक कुछ भी नहीं हुआ, और 90 दिन में क्या हुआ, 80 फीट का बैम्बू आ गया, इतनी जबरदस्त उसको फसल मिल गई। क्या चीज का परिणाम था? आईसीआर क्या था? इंटरेस्टेड कमिटेड रिपीटेड। समझे बात को? आप लगातार प्रयास करते रहो, परिणाम नहीं आएगा, हिम्मत मत हारो, आज न कल परिणाम आएगा। जैसे वो चाइनीज बैम्बू ट्री 90 दिनों के अंदर में वो 80 फीट का हो जाता है, उसी तरीके से जब परिणाम आएगा ना, भगवान जब देगा छप्पड़ फाड़ के देगा। लगातार प्रयास करते रहना, कब आएगा वो तुमको पेशेंस रखना होगा। उसके गुरु जी ने कहा था, तुम्हारे गुरु जी ने कह दिया, पेशेंस लाइफ में रहेगा कि नहीं रहेगा, परिणाम बाद में आएंगे, प्रयास लगातार जारी रहेंगे। समझ लो 5 साल ये चाइनीज बैम्बू ट्री कहानी याद रहेगी। जब कभी मेरे से 5-10 साल के बाद फेसबुक पे बात करोगे तो बताना कि सर आपका वो कहानी मुझे आज भी, क्योंकि ऐसा 10 साल पहले जिस बच्चों को सुनाए थे वो मेरे को आज भी लिख के देता है कि सर आपका वो चाइनीज बैम्बू ट्री वाला कहानी आज भी याद है, मैंने देखो 10 साल के बाद इसको। ये लेसन है विदाई के मिला।